सर्वसाधिके सन्न तृप्के गौरी नारायणी नमस्ते नमस्ते। जय माता की सभी को। कैसे हैं सब? और मैंने पूजा कर ली है, दरबार लग गया है। और आप सब कैसे हैं? सोचा आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ, नवरात्रियों की शुभकामनाएं दे दूँ आप सभी के लिए। नवरात्रि शुभ हो, बहुत ही मंगलमय हो। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बरसाएं, आपको और आपके परिवार को सदा खुशी रखे, बस यही कामना करती हूँ। और देखो मैंने कैसे अपनी नवरात्रि की पूजा की है, कैसे माता का दरबार लगाया है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सफाई से। तो मैं मंदिर की थोड़ी सी सफाई करूंगी, वैसे तो मैंने पहले ही कर दी थी। सफाई करने के बाद मैं इस पे लाल वाला कपड़ा बिछा रही हूँ, तो मेरे पास है ये अच्छा सा, मैंने पहले ही लेके रख रखा था। देखो ये बीच साफ होकर मंदिर मैंने बिछा दिया है इस पे कपड़ा अच्छे से। अब ये इसके ऊपर मैं एक चौकी रखूँगी, पतली सी ही है, इस पे एक लाल कपड़ा और बिछा दूँगी, इस पे मैं माता को विराजमान करूँगी। ये थोड़ा सा ये जो मैंने वो सजाई है मटकी, उसी में ये मैंने रुई भर के रख दी है। और सबसे पहले अब मैं करूँगी ये बर्तन साफ पीताम्बरी से। पीताम्बरी को मैंने डब्बे में करके रख रखा है। ये सारे बर्तन में गौ माता को इनको सबको साफ कर लूँगी। तो देखो मैंने पीताम्बरी से ही कर रही हूँ। देखो मेरे पास ये एक बिल्ला है पीतल का, देखो कितना चमक गया है ना, ऐसे ही मैं ये सारे बर्तन साफ कर लूँगी। ये जोत है जो अखंड जोत में जलाऊँगी, देखो गौ माता भी कितनी चमक गई है। और यहाँ मैंने अपने सारे लोटे जितने भी हैं, आचमनी प्लेट्स ये सब दिए वगैरह सब चमका के रख दिए हैं, भोग के लिए कटोरी वगैरह सब एकदम तैयार। अब मैं माता को तैयार कर रही हूँ थोड़ा सा। ये उनका लहंगा है, ये माता की चुन्नी थोड़ी अकड़ मतलब टाइट सी हो रही थी, तो मैं इसमें प्लेट्स लगा के पिन लगा दूँगी ताकि ये इधर उधर ना भागे। देखो माता तैयार हो गई हैं, दुपट्टा उठाना रह रहा है। ये माता की चुन्नी आ गई है, माता रानी है एकदम रेडी। कितनी सुंदर लग रही है ना माता रानी, जैसे अभी बोल लेंगी। अब मैं भगवान जी को भी तैयार कर देती हूँ। देखो ये कितने प्यारे से इनके हाथों के हैं, इनमें आवाज़ हो रही थी बजने की। घुंघरू जो हैं वो अच्छे से बज रहे थे। ये मैं माला बना रही हूँ, ये कपड़े इनके मैं नए लाई हूँ। देखो ये मैं भगवान जी की एक सोने की माला बनवा रखी है मैंने, कई साल हो गए, बहुत प्यारी सी एक छोटी सी इनकी। ये आर्टिफिशियल तो मैं पहनाती हूँ, लेकिन ये गोल्ड की भी रोज़ पहना कर रखती हूँ मैं इनको। देखो ठाकुर जी भी बैठ गए हैं, ये माता रानी भी यहीं पर मैंने विराजित कर दी हैं। मैं तैयारी कर लेती हूँ, नहा धो कर तैयार थी पहले भी, लेकिन साड़ी पहन ली है। और अब मैं सब सामान यहीं एकत्रित कर लूँगी, क्योंकि बच्चे भी नहा रहे हैं और फिर सब पूजा करते हैं। ये फूल सब बर्तन फ्रूट्स जो जो भी मुझे पूजा में चाहिए वो सब मैं यहीं इकट्ठा कर लूँगी, ताकि बार बार भागना ना पड़े। ये मेरे पास तांबे का हवन कुंड है, मैं इसी में हवन करती हूँ। अब मैं यहीं बैठी हूँ, मैं माता को चूड़ियाँ पहना रही हूँ। चूड़िया तो मैं इन्हें पहना ही देती हूँ। ये मैंने पीले चावल से जिसमें मैं जोत रखूँगी अष्टदल कमल बना लिया है, 8 पत्तियाँ हैं इसमें, तो इसी में मैं अपनी जोत रखूँगी अखंड। ये मैं जोत के लिए बत्ती बना रही हूँ, कलावे का 4 लपेट लेके उसके उसको ऐंठा दे लिया अच्छे से। और ये कलश में डालने के लिए
हल्दी की गांठ है, सुपारी, इलायची, चांदी का टुकड़ा, चावल और दूब घास, और यह है सर्व औषधि। तो ये सब चीज़ें मैं इसमें डाल दूंगी और इसमें भर लूंगी पानी और गंगा जल, और ये आम की टहनी लगा के इस पर, और फिर मैं स्थापना करूँगी। देखो वो मैंने जौ का जोत जला दी पहले मैंने छोटे वाली, इस पर मैं सबसे पहले कलश ही स्थापना करूँगी, क्योंकि सबसे पहले कलश की ही स्थापना होती है माता को तैयार करने के बाद। अब ये मैंने जो नारियल लेक में कलश पर रखने के लिए आई थी वो रख दिया है। अब पूजा हो गई है कलश की, अब मैं माता रानी की पूजा कर रही हूँ, उनको मालाएं वगैरह लगा रही हूँ, प्रभु गोपाल जी को भी माला पहना दूंगी। मैं जला रही हूँ अखंड वाली जोत अपनी। छोटी जोत तो मैंने पहले ही जला दी, क्योंकि जोत जलाने के बाद ही मैं माता को कुछ भी मतलब चढ़ाते हैं, कहते हैं अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसी के बाद पूजा स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये मैं यहाँ पे मैं माता को श्रृंगार चढ़ा दूँगी, जो मैंने साड़ी ली है और उनका जो श्रृंगार है सारा, वही मैं यहाँ पे माता को चढ़ा दूँगी अच्छे से। ये माता को मैं नारियल भी भेंट में चढ़ा दूँगी, नारियल चुन्नी में। सभी को मैं डोली से टीका लगा रही हूँ। मन इतना खुश है ना पूजा करने के बाद, एक अलग ही अनुभव महसूस करती हूँ मैं तो। ये मैं जोत के ऊपर भी स्वास्तिक बना दिए हैं मैंने, ऊपर की साइड भी और नीचे भी। ये हमारे घर में ही गुलाब लगे हुए हैं ऊपर छत पे, ये उन्हीं में से मैं तोड़ के लाई हूँ चार गुलाब। एक लक्ष्मी माता को चढ़ा दिया, एक माता के लिए उड़ली सजाई है मैंने छोटी सी, उसमें रख दिया है मैंने, पानी भर रखा है इसमें। और इसके चारों तरफ मैं ये जो मेरे पास गेंदे के फूल हैं ये लगा दूँगी। और मैं फूल लाई थी मार्केट से, ये माला भी मैंने खुद ही बनाई है माता के लिए और लड्डू गोपाल के लिए। ये मैंने माता को फ्रूट वगैरह सब चढ़ा दिए हैं, प्रसाद भी रख दिया है। मैं जोत के पास भी थोड़ा सा सजा दूंगी। और ये माता के लिए तांबूल हैं। मंगल मंगल लय से सर्वा साध के सर्णतरम की गोरी नारायणी नमस्ते। सर्वंगल मंगल लय से सर्वा साध के सर्णतरम की गोरी नमस्ते। सर्वंगल मंगल लय से सर्वा साध धर्म के गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्य से सर्वासाद के सर्णतरम के गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्य से सर्वासाद के सर्णतरम के गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्य से सर्वासाद के सर्णतरम के गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्य से सर्वासाद के सर्णतरम के गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्य से सर्वासाद के सर्णतरम के गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्य से सर्वासाद के सर्णतरम के गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्य से सर्वासाद ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम् ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं विबध्नां त्र्यंबकमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं विबध्नां त्र्यंबकमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं विबध्नां त्र्यंबकमामृतात् स्वाहा।
ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं सर्वमंगल मंगल्ये से सर्वा साधके समेतम के गौरी नायने नमस्ते माता महारानी ये को स्वीकार करिए। उदाहरण करने वाले पटंबर परिधानात रेशमी वस्त्र पहनने वाली कर्मरंजनी रंजनी मधुदर्वी करने वाली मंजीर को धारण करने वाले प्रसन्न रहने वाले अमीर विक्रमासीन पराक्रम वारे कुरा दैत्यों के प्रति कठोर सुंदरी सुरसुंदरी वन दुर्गा मातांगी मतंग मुनि पूजिता ब्रह्मणी महेश्वरी इंद्री कुमारी वैष्णवी चामुंडा वाराई लक्ष्मी पुरुषा करती विमला उत्कृष्णी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्वान वाना निशुम सुम हन्नी महिषा सुर मजनी मटु कैतम हन्नी चुनमुन विनाशनी सर्व सर्व सूर्य विनाशा सर्व दानव घातनी सर्व शास्त्रमयी सत्ता शस्त्रु धारणी अनेक शस्त्र हस्ता अनेक शस्त्र धारणी कुमारी एक कन्या कैसोरी उत्ति अति मांगे सिंदूर विराजत टीको मृग मध्य को मैया टीको मृग मध्य को उज्जवल से। मैं बना रही हूँ तोरण दरवाजों पे लगाने के लिए। आम के पत्ते अभी थोड़े ज्यादा ले आया था तो मैंने सोचा तोरण बना देती हूँ मेन गेट पे और जो बैठक का के पास गेट है उस पे दोनों पे लग जाएगा। देखो मैंने बना के अब को दिया है अब लगा रहा है। देखो थोड़ा बड़ा ही बन गया है। मैं एक उंगली सजा रही हूँ इसे सजा कर टेबल पे रख दूँगी। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी नवरात्रि बहुत शुभ हो मंगलमय हो मैं यही कामना करती हूँ प्रभु से। सभी को मेरा नमस्ते। मिलती हूँ अपनी किसी और वीडियो में। बाय बाय।